श्रीराम चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से एक बार फिर स्वागत है देखिए बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और विशेष तेजी बनी हुई है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जिसकी चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ वीक में करते आए तो आज भी कुछ चार्ट्स की चर्चा करेंगे जिनमें लाइफ टाइम ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाई देता हूं कि चार्ट ऑफ वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं बात करते हैं किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदारी और बेचने की राय नहीं होती है ये चार्ट्स लंबी अवधि के होते हैं वीकली चार्ट्स की चर्चा आमतौर पर चार्ट ऑफ वीक में होती है और किसी भी चार्ट पर कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं होती है केवल वो चार्ट्स जिनसे कुछ सीखा जा सकता है जिनमें कुछ नया हो रहा होता है प्रासंगिक व्यवहारिक ढंग से चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है यह आप सीखते हैं हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में तो आइए सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट से आपका परिचय करवा तो आगे बढ़ने से पहले आइए इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक इस सप्ताह है वन टू थ्री पैटर्न जी हाँ जिसका जिक्र हाल ही यानी कि इसी सप्ताह एक विशेष वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह वन टू थ्री पैटर्न देखा जाता है और ये पैटर्न आपको दिखाई देगा बायोकॉन के इस वीकली चार्ट में जी हा चार्ट को देखिए और यहां आपको दिखेगा ये वन ये टू और ये थ्री बनता हुआ यानी वन टू थ्री पैटर्न बायोकॉन के वीकली चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो अगर अभी तक आपने इस पैटर्न को नहीं जाना है तो ये वीडियो जो कि मैंने इसी बृहस्पतिवार को जारी किया था इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे इस पैटर्न को देखने में आपको मदद मिले कहीं और आपने वन टू थ्री पैटर्न देखा हो हाल फिलहाल में तो मुझे जरूर बताइएगा तो यह इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक यानी वन टू थ्री पैटर्न और अब बात करते हैं एक विशेष सेक्टर की जिसमें जबरदस्त असाधारण ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और सेक्टर 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 है लिकर स्टॉक्स का सेक्टर। जी हाँ। सेक्टर का जी हां देखिए इस अपना तो कोई इंडेक्स नहीं है लेकिन अगर आप इस सेक्टर की तमाम कंपनियों को जोड़ करके एक इंडेक्स तैयार कर लें तो आपको इस इंडेक्स पर ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आएंगे अगर इस सेक्टर के किसी भी एक शेयर की मिसाल ले लें मसलन इस सप्ताह का चार्ट चार्टी रनर्सअप यानी कि यूनाइटेड के चार्ट को देखें तो आपको मेरी बात समझ आने लगेगी आपके सामने यूपीएल का चार्ट है लाइफ टाइम हाइएस्ट ब्रेकआउट यहां पर चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करके बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और बिल्कुल यही हाल इस सेक्टर के बाकी तमाम कंपनियों का है तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इस पूरे सेक्टर की सारी कंपनीज के चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं जिसका अपना कोई बना हुआ इंडेक्स नहीं है जैसे निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा इंडेक्स बने हुए हैं तो आप खुद से उस सेक्टर का इंडेक्स बना सकते हैं उस सेक्टर की प्रोमिनेंट कंपनीज को चार्ट पर जोड़ करके उसकी एक रेखा बनाकर उसको प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं उसके ब्रेकआउट्स पहचान सकते हैं तो आपके सामने ये लेकर स्टॉक है यूबीएल जिसके चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और इसे दिया जा रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक रनर सबका खिताब। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की इंटरेस्टिंग इस वजह से कि इस चार्ट पर आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा देखिए हम कई बार देखते हैं कि चार्ट्स पर बड़ी सब्सटेंशियल रेंजस क्रिएट होती हैं और उन रेंजस में शेयर्स सालों बिता देते हैं जब शेयर ये मल्टी ईयर रेंजेस से बाहर निकलते हैं तो हम इसे स्टेज ट्रांजिशन कहते हैं चार्टिंग में और ये कई बार चार्ट्स पर देखने को मिलता है इस सप्ताह के चार्ट वीक से आपको एक मल्टी ईयर रेंज का ब्रेकआउट कैसा दिखाई पड़ता है इसका अनुमान होगा कई सालों से यह शेयर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और रेंज भी कोई साधारण नहीं बल्कि 50 परसेंट की बड़ी जबरदस्त रेंज थी तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक का रुख करते हैं इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक का खिताब दिया जा रहा है निपॉन इंडिया लाइफ के वीकली चार्ट को जी हां के वीकली चार्ट को मिल रहा है चार्ट ऑफ वीक का खिताब आइए चार्ट के दर्शन करते हैं। तो लीजिए साहब पेश है इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग बेहद रोचक और बहुत ही ज्ञानप्रद चार्ट वीक यानी कि निपोन लाइफ एसेट मैनेजमेंट यानी कि नेम इंडिया जिसको इस सप्ताह चार्ट द वीक का खिताब दिया जा रहा है अब देखिए चार्ट में सीखने योग्य क्या है नया क्या है क्या आप सीख सकते हैं सीख सकते हैं लंबे समय का कंसोलिडेशन किस तरह से चार्ट पर प्लेआउट करता है इस चार्ट को एक नजर देखिए वीकली चार्ट है आपके सामने नेम इंडिया का और आप देखेंगे कि 2019 से लेकर के 2020 में इस चार्ट पर एक पूरी साइकिल आपने प्लेआउट होते हुए देखी यानी कि लगभग 200 से शेयर चलना शुरू हुआ 440 तक गया और फिर धड़ाम 200 तक आया कोविड के फॉल में और उसके बाद फिर से स्टॉक ने हिम्मत की वापस 450 के इर्द के गिर गया फिर बड़ी गिरावट आई और फिर पटकनी मिली शेयर को फिर से 215, यानी देखिए 50% परसेंट का बड़ा रेंज है ये और ये कई सालों तक चला यानी कि 2019 से लगभग 2023, कुल मिलाकर चार सालों तक ये शेयर 225 से लेकर 450 के दरमियान ही ट्रेड करता रहा लेकिन इस सप्ताह इस शेयर में बड़ा ब्रेकआउट आया है यानी ये चार साल की जो बड़ी रेंज है इसका ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है देखिए याद रखिए कि जब कभी इस तरह बहुत सब्सटेंशियल रेंजेस चार्ट पर बनती है तो इसमें दो तरह के मौके बनते हैं एक रेंज प्ले करने का मौका यानी कि नीचे के लेवल्स पर अगर आप स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको ऊपर के लेवल्स पर एग्जिट के मौके मिलते हैं रेंज प्ले की अपनी ताकत है बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं आप अगर आप रेंज प्ले करना ठीक से जान जाए और दूसरा इस तरह के शेयर्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो तो उसको भी ट्रैक किया जाना चाहिए इस तेजी में जहां इतने सारे शेयर्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं आना नए हाई बना रहे हैं कुछ चार्ट्स ऐसे भी हैं जहां मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं तो देखा आपने कि किस तरह से सालों साल तक रेंजेस चलती हैं और कई सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर रेंज में छिपी होती हैं। तो अगर आप कोई भी चार्ट इस वजह से अनदेखा कर देते हैं कि यह शेयर तो रेंज में है तो उसे गौर से देखिए कई बार रेंजेस में भी ट्रेडिंग के आपको जबरदस्त मौके नजर आएंगे इन तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिए और उन चार्ट्स पर विशेष फोकस कीजिए जो लाइफ टाइम हाइएस्ट ब्रेकआउट आपको अब चार्ट्स पर देने लगे हैं तो चार्ट्स देखते रहिए और उन चार्ट्स को खोजिए जिनमें इस तरह के स्टेज ट्रांजेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही वन टू थ्री पैटर्न जिसका जिक्र आज हमने इस वीडियो में किया था अगर आपने किसी चार्ट पर खोजा हो देखा हो आपकी मुलाकात इस पैटर्न से हुई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा चार्ट्स देखते रहिए इस बाजार में भी अवसरों का अभाव नहीं है ख्याल रखिएगा अपना अपनों का भी धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत